हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 1 करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन द क्लास। क्लास में 20 गर्ल्स थी और 15 बॉयज थे। तो इसमें पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो बताना है। तो पहले इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी, जो कि हमें दिए 20। नंबर ऑफ गर्ल्स 20, रेशियो में लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज है 15। इसी का रेशियो बताना था हमें, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। तब रेशियो को आपको पता होगा कि हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये 20 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, जो कि अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इसमें ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, इसमें डिवाइड हो जाएगा 5 से। एक ही नंबर से डिवाइड करना होता है, तो दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर हम इसको 5 से करेंगे तो आएगा 5 4 4। अगर इसको 5 से करेंगे तो 5 3। तो इसमें क्या आ रहा है, 4/3। और इसका क्या हो जाएगा, 4:3। इसका आंसर हो गया, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज का वैल्यू कितना है, 4:3। अब इसका भी पार्ट करते हैं। What is the ratio of number of girls to total number of students in the class? रेशियो बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब नंबर ऑफ गर्ल्स तो हमें दे रखी है, कितनी है, 20। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 20। अगर हमें टोटल निकालना है तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 20, और नंबर ऑफ बॉयज 15। इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएंगे हमारे, और जिससे हम रेशियो कर पाएंगे इसका। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो उसमें आ जाएगा 35। 35 इसमें दे रखा है। तो अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट तो पता नहीं है, अब नंबर ऑफ गर्ल्स हमें स्टार्टिंग में दे रखा है। तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 20, रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35। तो उसको हम 20/35 भी लिख सकते हैं, जो दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4, और इसको करेंगे तो ये 7। तो इसका क्या है, 4/7। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स टू रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितना है, 4/7। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 4:7। अब हमारे इसका भी रेशियो निकल गया है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। Out of 30 students in a class, 6 like football, 12 like cricket, and the remaining like tennis. Find the ratio. इसमें बोला है कि 30 students की क्लास है, उसमें 6 बच्चों को फुटबॉल पसंद है, 12 बच्चों को क्रिकेट पसंद है, और जो रिमेनिंग बच्चे बचे हैं उनको टेनिस पसंद है। हमें रेशियो बताना है किनका, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिंकिंग फुटबॉल, क्योंकि उनको फुटबॉल पसंद है, जो फुटबॉल से रिलेटेड है। रेशियो में नंबर ऑफ स्टूडेंट लिंकिंग टेनिस, मतलब जो टेनिस से रिलेटेड है। तो अगर अब हम इसका निकालें तो इसमें पहला एक पार्ट करें हम, होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक फुटबॉल टू रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स लिंकिंग टेनिस। टेनिस का हमें इसमें दे नहीं रखा, इसमें हमें बोल रखा है कि 30 स्टूडेंट्स की क्लास है,
36 क्रंची तो है। 6 को फुटबॉल पसंद है, 12 को क्रिकेट पसंद है, तो बचे हुए 33 को हम प्लस करके, अगर इन दोनों को प्लस करके 30 से माइनस कर देते तो 33 जिनको पसंद है वो आ जाएंगे। हम करते हैं 12 क्रिकेट के थे और यहाँ 6 फुटबॉल के थे, तो उसमें कितने हो जाएंगे? 18 बच्चे टोटल को मिला के, मतलब फुटबॉल और क्रिकेट को मिला के 18 बच्चे दोनों में से एक को पसंद करते हैं। तो उसमें 30 बच्चों की क्लास है, इनमें से 18 इन दोनों का आ गया, जो बचा हुआ है वो टेनिस का हो जाएगा, जो बचा हुआ है टेनिस का हो जाएगा। तो उसमें 30 माइनस 18 कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 12 बच्चे, मतलब जो 12 बच्चे हैं उनको टेनिस पसंद है। तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट लिंकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट लिंकिंग टेनिस। फुटबॉल का 6 से हमें दे रखा है, तो उसमें क्या है? फुटबॉल का 6 रेशियो टेनिस का हमने निकाला 12 है, तो अगर हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं, वो 6 अपॉन में 12 लिखते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो डिवाइड दोनों हो जाते हैं 6 से, डायरेक्ट काटेंगे तो 6 से डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे 6 वन जा होता है और 6 टू जा होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1:2। तो अभी ये हमारा आंसर आएगा ना, रेशियो ऑफ फुटबॉल टू रेशियो ऑफ वो। अब दूसरा वो बी पार्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट लिंकिंग क्रिकेट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें 30 दे रखी है और क्रिकेट 12 लोगों को पसंद है, तो इसमें बोल रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट लिंकिंग, पहले हमें क्रिकेट का निकालना है, फिर जितने टोटल स्टूडेंट है उनका निकालना है। उसका भी पार्ट करते हैं, क्रिकेट का हमें दे रखा है 12 स्टूडेंट, मतलब 12 स्टूडेंट हैं और टोटल है 30 जो हो जाएंगे 12 अपॉन में, हम इसको 30 लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम उसको डिवाइड करें तो 6 हो जाएंगे, अगर ये 6 हो जाएंगे तो 6 बन जाते और ये 6 तो 6 टू जो 12 और ये 6 5 जो 30। इसमें अगर हम इसको रेशियो के फॉर्म में निकालें तो 2 रेशियो 5 आ जाएगा हमारा, आंसर हमारा 2 रेशियो 5 आ रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लाइक करते हैं क्रिकेट को, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्रिकेट का हमें देखा था 12, टोटल नंबर 30 है, तो हमने दोनों को रेशियो निकाल दिया आ रहा है 2 रेशियो 5। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें बोल रखा है सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ, हमें यहाँ पे पिक्चर दे रखी है वाली रेक्टेंगल में, और इसमें देख के हमें वो निकालना है, रेशियो निकालना है जो हमें वहाँ पे दे रखा होगा, यहाँ पे ए बी सी का हमें रेशियो निकालना है। तो उसमें ए का ए हमें दे रखा है नंबर ऑफ ट्रायंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल, इसमें ट्रायंगल का रेशियो और वो सर्कल का रेशियो निकालना है, सर्कल का रेशियो और रेक्टेंगल का रेशियो निकालना है। उसमें हमें सर्कल दे रखे हैं, सॉरी इसमें ट्रायंगल और सर्कल का निकालना है हमें, तो ट्रायंगल हमें 1, 2, 3 ट्रायंगल है और यहाँ पे 2 सर्कल है, मतलब ट्रायंगल कितने हमारे,
सर्कल हमारे 3 है और सर्कल हमारे 2 है, तो उसमें यही पूछा था नंबर ऑफ ट्रायंगल टू नंबर ऑफ सर्कल। ट्रायंगल हमें दे रखा है ये 3 है और ये सर्कल 2 है, तो 3:2 आ गया और ये तो वैसे ही 3:2 है, हमें तो उसको काटने की भी जरूरत नहीं है। कभी पार्ट करते हैं, भी पार्ट में दिया नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल फिगर इनसाइड रेक्टेंगल, मतलब ये रेक्टेंगल है इसके अंदर के स्क्वायर गिन के हमें रेशियो में लिखना है जितने भी फिगर्स के अंदर है। तो अगर हम इसमें करें तो नंबर ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर का निकालना था, स्क्वायर इसमें कितने हैं 2 और टोटल फिगर कितनी है 8, 7 फिगर है और सर्कल 2 मतलब स्क्वायर 2 है, तो मैं पूछा स्क्वायर 2 ऑल फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल, स्क्वायर 2 है और इसके अंदर कितने फिगर है 7, तो इसका भी हमें बस ही 2:7 हमें इसका आंसर मिल गया। दूसरा नंबर ऑफ सर्कल टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल, पहले हमें सर्कल का निकालना है, फिर इसके अंदर जितने भी फिगर है उनका निकालना है, तो इसमें सर्कल का हमें दे रखा है सर्कल के 2 है और इसके अंदर 7 फिगर है, इसी का होगा सर्कल 2 है और इसमें 7 है, तो इसमें भी बी वाले की तरह आंसर आ रहा है 2:7। क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं, इसमें है डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमी एंड अख्तर इन 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर और मतलब एक दोस्त है हमीद और दूसरा दोस्त है अख्तर, दोनों ने डिस्टेंस कवर किया, पहले दोस्त ने 9 किलोमीटर दूसरे दोस्त ने 12 किलोमीटर, तो हमें दोनों का रेशियो निकालना है। पहले दोस्त ने कितने किए हैं, पहले दोस्त ने 9 किलोमीटर कवर किए और दूसरे दोस्त ने 12, उसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 9 / 12 लिखेंगे जो कि हाँ ये हमारा 3 हो जाता है, 3 से हम इसको करें तो 3 से 3 टाइम जाएगा और ये 3 से 4 टाइम जाएगा, इसमें कितना आ रहा है रेशियो 3:4, मतलब जितना उसने उसके दोस्त ने कवर किया है दोनों की अगर हम रेशियो निकालें तो कितना आएगा 3:4, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा रेशियो की फॉर्म में। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा है 5, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है जो छुट्टी यहाँ पे छूटे हैं, तो हम इसमें दे रखा है 15/18, तो अब पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल देते हैं, अगर ये 3 हो जाएगा ये भी 3 हो जाएगा, 3 से 5 टाइम जाएगा तो 3 से 6 टाइम जाएगा, मतलब 5/6 आ रहा है, तो टेबल कुछ ऐसी है 5/6 ऊपर होता है, हाँ तो टेबल ऐसी है, इसमें हम
हमने अगर इस हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाला तो इसमें आ रहा हमारा 5 अपॉन में 6, तो 5 अपॉन में 6 पहला वाला है 5 अपॉन में 6 इज इक्वल टू, ये नीचे 6 दिया ऊपर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें इसको हम किससे इंटू करें, ये 6 आ जाएगा, हमने इसको 1 से इंटू किया, तब ऊपर में भी हमें किससे इंटू करना पड़ेगा, 1 से, ये क्या आ जाएगा 5, तो पहले वाली की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 5। दूसरे में यहाँ पे दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पे ऊपर 10 दिया है और नीचे की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 5 को किससे इंटू करें कितना आ जाएगा, अगर हम 2 से इंटू करते हैं तो उसमें 10 आ जाएगा, अगर हम 6 से 2 को इंटू करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12। इसके बाद वाले में अगर हम इसको अगर हम 6 को इससे इंटू करेंगे 30 आ जाएगा, अगर हम उसको 5 से इंटू करते हैं तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 5 को अगर हम नीचे की तरफ 5 से इंटू करते हैं तो 25 आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 25। और इज इक्वल टू यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो यही आएगा, इन दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो ये आएगा, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो यही आएगा, इसलिए इज इक्वल टू की है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दे रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग, हमें इसमें रेशियो निकालना है, इसमें रेशियो निकालना दे रखा है, मैं 4 पार्ट दे रखे हैं, हमें सबसे रेशियो निकालने हैं। पहला पार्ट है 81 to 108, अगर हम इसको करें तो इसमें आ रहा है 81 to 108। अब इसमें दे रखा है, इसका कहने का मतलब है 81 रेशियो 108, और इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि आपको पता है फ्रैक्शन के फॉर्म में 81 अपॉन में 108, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 27000। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें कितना आ रहा है 27 अपॉन में 36, अब इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो डिवाइड हो जाएगा इधर से 3 से और इधर भी है 3 से, तो ये होगा ये 9 ईयर और ये 12000 हो जाएगा। इसको हम दोबारा 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 3000 और ये 3000, तो इसकी रेशियो आ रही है हमारी 3:4। तो अब हमारा इसका आंसर आ रहा है 3:4। अब हम इसका बी पार्ट करने, बी पार्ट है 98 to 36। Yes.
सकते रेडियो तो अब हम इसको उसके फॉर्म में लिख सकते हैं फ्रैक्शन के। तो अगर हम इसको खाते हैं तो ये दोनों 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ये 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा और 7 से ये 14 जा चल जाएगा, 7 से ये 9 जा चल जाएगा। और अब ये दोनों एक दूसरे से डिविजिबल नहीं हो रहे तो इसको 14 रेशियो 9 लिखेंगे और ये हमारा बी का सही आंसर हो जाएगा। बी का हमारा 14 रेशियो 9 आ रहा है इसका। अब हम सी का कर रहे हैं। सी का इसमें देखा 33 किलोमीटर तो 121 किलोमीटर। इसमें दे रखा 33 किलोमीटर टू 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। कितना दे रखा है हमने अभी रेशियो में? अब तो आपको पता ही होगा हम इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये अब आ जाएगा 33 अपॉन में 121 जिसकी वैल्यू अगर हम इसको खाते हैं तो ये 11 से कट जाएगा। 11 3 हो जाएगा, ये 11 4 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 11। तो हम लिख सकते हैं 3 रेशियो 11। उसका हमारा आंसर आया 3 रेशियो 11 किसका? सी का, मतलब 33 किलोमीटर और 121 यहाँ पे। इसका हमारा आंसर आया 3 रेशियो 11। अगला क्वेश्चन करते हैं। मतलब डी पावर 30 मिनट टू 45 मिनट। अब ये क्या हो जाएगा 30 अपॉन 45 मिनट। तो फिर जैसे कि आपको पता होगा अगर ऊपर कोई नंबर सेम है और नीचे कोई नंबर सेम है तो दोनों कट जाते हैं। और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मान लो मिनट की जगह कुछ और भी होता, मान लो यहाँ पे 30 ए होता और यहाँ पे भी 45 ए होता तो ए से एक कट के ये दोनों कट जाता। तो अभी हम इससे मिनट से मिनट काट के हम इसको कर सकते हैं जो कि दोनों 5 हो जाएंगे। ये 5 6 जर हो जाते हैं और 5 9 जर हो जाते हैं। 6 अपॉन 9 जो कि 3 से डिवाइड हो जाते हैं 2 अपॉन 3 आता है जिसकी वैल्यू हमारी क्या आती है 2 रेशियो 3। तो अब दीवाले पार्ट का हमारा आंसर आ रहा है 2 रेशियो 3। अब हम मूव करते हैं 7th क्वेश्चन पे। मैं बोल रखा है रेशियो, इसमें भी ऊपर की तरफ रेशियो फाइंड करना है। पर इसमें ये बात है कि इसमें जो रेशियो हैं वो इनके जैसे कि आपको पता होगा कि जो उनको सॉल्व करने के लिए होता है उसमें उन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इसमें अगर यूनिट सेम नहीं है तो
इसमें अभी रेशियो नहीं बन सकता, पर हमें इसमें बोला है कि रेशियो बनाना है, तो इसमें हमें यूनिट सेम करनी पड़ेगी। करें तो पहले हम इसका ए पार्ट करेंगे, तो इसमें जगह 30 मिनट टू 1.5 आवर। तो हम लिख सकते हैं रेशियो इसमें रहेगा 1.5 आवर। इसमें आपको पता होगा 1 आवर की कितनी वैल्यू होती है, 60 मिनट। तो फिर अगर ये मिनट में है तो इसको हम आवर को मिनट में चेंज कर लेंगे, अभी दोनों का रेशियो भी बन जाएगा। तो अगर हम 1.5 को मिनट में चेंज करें तो इसमें कितना आ जाएगा, 1 आवर में 60 होता है, 0.5 मतलब हाफ, तो इसमें 0.5 30 हो जाएगा, तो 60 प्लस 30 90 30 रेशियो 90। तो हम क्या लिख सकते हैं, 90। तो इसमें पहले 0 से 0 बच जाएगा, फिर 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, तो इसमें क्या जाएगा 1/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1:3, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 7th के ए का 1:3 इसका। अब हम बी का करते हैं, तो 40 सेंटीमीटर तो 1.5 मीटर। इसमें सारे वैसे ही है जिसमें यूनिट हमें सेम करनी पड़ेगी। सी में 55 पैसे टू 1 रुपीज, और डी में 500 ml टू 2 लीटर। इसमें भी यूनिट सेम नहीं है, ml लीटर, इसमें पैसा रुपीज, इसमें सेंटीमीटर मीटर, और इसमें मिनट आवर, ये तो हमने कर ही लिया है। तो चारों में हमें पहले यूनिट सेम करनी पड़ेगी, इसमें हम इसको सीधे डिवाइड कर देते हैं, पर इसमें यूनिट से करनी पड़ेगी। तो अब हम बी वाला करेंगे, इसमें बोल रखा है 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अरे वो 2 को हम रेशियो में भी लिख सकते थे, इसलिए मैंने रेशियो में लगा दिया, और ये मीटर में तो मीटर में था। और अगर हम अब इसको करें तो इसमें 40 सेंटीमीटर तो है, 1.5 मीटर को भी चेंज करना पड़ेगा, जिसमें आपको पता होगा कि जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर की वैल्यू कितनी आती है, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी आती है, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर ये इधर है तो यहाँ 100 से यहाँ चले जाएगा, और यहाँ पे 1 रुक जाएगा, तो कितना हुआ, 1/100 मीटर। इसमें 1 मीटर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, तो इसमें अगर मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना आ जाएगा, इसको हमें कितने से इंटू करना पड़ेगा, 100 से, तो 1.5 × 100। अभी तो क्योंकि 1 मीटर की वैल्यू कितनी आती है, 100 सेंटीमीटर, तो हम इसको 100 से इंटू करेंगे सेंटीमीटर में बदलने के लिए, कितना आ जाएगा 100 × 1.5। तो अगर हम आप करें
आ गया। अब इसमें 100 से इंटू किया, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे सेंटीमीटर लगा दिया, क्योंकि अब हम इसको करेंगे तो इसमें क्या है 40 सेंटीमीटर रेशियो। अगर हम इसको इंटू करें तो आपको पता होगा डिवाइड होता है तो वैल्यू राइट टू लेफ्ट जाती है, राइट टू लेफ्ट जाती है, और अगर इंटू होता है तो वैल्यू लेफ्ट टू राइट आती है। अगर इसमें इंटू होता है तो वैल्यू लेफ्ट टू राइट आएगी। इसमें 10 लेफ्ट टू राइट मतलब 1.15 सेंटीमीटर हो गया, और इसमें एक और 0 है 150। इसके बाद ये कट रहा है, किसी से डिवाइड नहीं होते, किसी से डिवाइड नहीं होते, उसमें क्या आ जाएगा 4/15। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4:15। तो अभी का पार्ट क्या है, अभी वाले पार्ट का क्या है हमारा आंसर 4:15। ये देख रहे थे हम ये वाला इसमें हमारा कितना आ रहा था 4:15। इसका सी पार्ट करेंगे, सी पार्ट में क्या दे रखा है 55 पैसे तो 1 रुपीज। को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ और 2 को रेशियो लगाते हैं हम, जैसे यहाँ पे भी लगा रखा है, तो 55 पैसे तो 1 रुपीज। अब आपको पता होगा कि 1 रुपीज में 100 पैसे आते हैं, 100 पैसे आते हैं, तो इसमें 55 पैसे तो दे रखा है। अब इसकी अगर हम यूनिट सेम कर देंगे तो रेशियो बन जाएगा, इसकी हमें यूनिट सेम करनी पड़ेगी, जो हो जाएगा 55 पैसे रेशियो। इसमें हम इसको 1 से इंटू कर देंगे 100 तक, 1 को 100 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 55 पैसे रेशियो। इसको इंटू किया तो कितना आ गया 100 पैसे। और इसके अगर हम रेशियो निकालें तो 55/100 जो कि पहले 5 से डिवाइड हो रहा है 11, और ये 5 से डिवाइड है कितना आ गया आ जाएगा 11/20, इसकी वैल्यू क्या होगी 11:20। सी वाले का पार्ट का आंसर क्या रहा 11:20 जो ये रहा सी वाले पार्ट का 55 पैसे तो 1 रुपीज। अब हम एट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ ईयर सीमा अर्न 150 इसमें देखा 1,50,000 रुपीज सीमा अर्न करती है एक साल में, एंड सेव्स उसमें से बचाती कितना है 50,000, मतलब एक साल में 1,50,000 उसकी सैलरी है और उसमें 50,000 वो बचा देती है, सेव कर लेती है। तो हमें इसमें रेशियो बताना है, रेशियो हम इसमें निकालें तो पहला रेशियो निकालना है मनी दैट सीमा अर्न टू मनी की सेव, मतलब जितना वो कमाती है रेशियो में जितना वो कर देती है बचाती है सेव मनी ही सेव, मतलब वो रेशियो बताना हमें जितना वो अर्न करती है टू जितना वो सेव करती है। अर्न का हमें दे रखा है
और आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं सेवन्थ के डीप आर्ट की सोच दिया, ये आपका होमवर्क है और आपको इसमें आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजना है। मैं अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन कराऊंगा। इस वीडियो में हम बस 8 तक करेंगे, अगले वीडियो में हम बची हुई एक्सरसाइज करेंगे जो पार्ट टू वाला होगा वो। और अभी हम इसको करते हैं। हम बात कर रहे थे कि मनी जितना सीमा कमाती है और जितना खर्च मतलब जितना वो बचा लेती है उसमें आपका जो दिया वो होमवर्क है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेजना है। अगले बार मैं इसका आंसर करा दूंगा और हम इसका प्रश्न नंबर 1 का ए पार्ट करते हैं। तब तक इसमें बोल रखा है, मैंने आपको बता दिया जैसे कि इसमें हमें दोनों की यूनिट तो सेम ही है, तो हम इसमें निकाल सकते हैं। रेशियो हम लगा देते हैं, इसमें 2 लिखा है। इसको अब हम डिवाइड में लिख सकते हैं, जो कि अभी डिवाइड में रहेगा। ये 4 से ये 4 कट जाएंगे और ये बचा तो ये 5 बन गया, 5 और 5 3 15, तो ये 3/1 है। अगर हम बेसिक फ्रैक्शन करते तो ये बस 3/1 की वैल्यू बस 3 आती, और अभी हम रेशियो करते तो हमें इसको पूरा लिखना पड़ेगा, जो हमारा हो जाएगा 3:1 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा 8 के ए वाले को। तो हम इसका भी पार्ट करते हैं जो है मनी दैट शी सेव टू मनी दैट शी स्पेंड। इसमें पिछले वाले में बोला था कि जितना वो सेव करती है, इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है कि सेवर स्पेंड में तो सेव का मतलब होता है जितना वो बचाती है और स्पेंड का मतलब होता है जितना वो खर्च कर देती है। तो सेव हमारे बचाने का तो दे रखा है, टोटल भी दे रखा है कितने बचते हैं उसको, और ये नहीं दे रखे कितने स्पेंड करती है। तो अब हमें इसका निकालना है। अगर हम दोनों को इसमें बोला कि जितना वो स्पेंड करती है, तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना वो स्पेंड करती है। हम माइनस कर देते हैं, ये पार्ट का आंसर है। इसमें उसको मिलते हैं 1,05,000 1,50,000 और उसमें से वो कितना कितना बचाती है 50,000। जब हम इसको माइनस करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा 1,00,000। जब उसने 1,00,000 खर्च कर दिए और उसके पास 50,000 बच रहे हैं वो सेव करती है, और उसको एक साल में कितना मिलता है 1,50,000। तो हमें इसमें क्या पूछा है कि मनी दैट इज सेव, जितना सेव करती है तो दैट इज स्पेंड, तो सेव ये करती है कितना 50,000 और खर्च कितना कर देती है 1,00,000। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, अपॉन में ये रेशियो बाहर दे तो हम इसको नीचे लिखेंगे, जो आगे तरफ होती है उसको नीचे लिखते हैं और जो पहले होती है उसको ऊपर लिखते हैं। आपको तो जाना उसको
पेपर मत लिख देना। अगर हम इसको अब डिवाइड करते हैं तो ये 4 0 से 4 0 कट जाएंगे, 5 5 और 5 10 और ये कितना देगा 1/2। और हम इसको वैसे तो हाफ ही कह सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब रेशियो में हम इसको कितना कहेंगे 1:2। तो और ये हमारा बी का आंसर आ रहा है, 8 के बी का आंसर आ रहा है हमारा 1:2। तो हमारी इस वीडियो में हम बस 8 क्वेश्चन करेंगे और बाकी जो बचे हुए 8 क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो डी वाला है उसमें 7 डी डाल के डी वाला, इसमें आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है 7 का डी और सीधा इसके बाद आंसर लिखना है आपको जो आपका आंसर आ रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।